हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज एडवर्ब्स के बारे में कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। तो जैसा कि आपने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था कि जो नाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है, वैसे ही सेम एज सेम होता है कि जो भी किसी वर्ब की, किसी अन्य एडवर्ब की, किसी अन्य एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ड किसी वर्ब की, किसी अन्य एडजेक्टिव की या किसी अन्य एडवर्ब की क्वालिटी बताए उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब की डिफिनेशन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ड किसी वर्ब की, वर्ब छोड़िए, दूसरा हम तक डिफिनेशन कह सकते हैं, लिखते हैं कि जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को छोड़ और इंटरजेक्शन को छोड़कर, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, वो किसकी विशेषता बताएगा? नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सबकी बता सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये पहली उसकी डिफिनीशन बनती है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब के प्रकार की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो टाइप होता है एडवर्ब का उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय के बारे में बताए। कौन कौन सा होता है? जैसे कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, नेक्स्ट वीक, ईटीसी। इस तरीके से आपके जितने भी वर्ड टाइम से रिलेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान जो बताया उसे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे हमने कहा हियर मीन्स यहाँ, दियर मीन्स वहाँ, इन मीन्स अंदर, आउट मीन्स बाहर, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, अप ऊपर, डाउन नीचे, ईटीसी। तो जो वर्ड हमारे प्लेस को बताते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगर हम तीसरे एडवर्ब की बात करें तो तीसरा एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि हो गया वेरी मच, मोर, लेस, कंप्लीटली, ईटीसी, होल। ये सारे के सारे जो भी उसकी मात्रा के बारे में बताएंगे, क्वांटिटी के बारे में बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बताने वाले एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि केयरफुली, क्लेवरली चालाकी से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, सर्टनली। तो ऐसे जो भी वर्ड होंगे वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसी काम को करने का तरीका बताते हैं। उसने मुझसे रूडली बात की तो हमने कहा रूडली, नाइसली। इस तरीके से जो भी वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताने वाले सेंटेंस। जैसे हेंस, देयरफॉर, हेंस मीन्स इसलिए या फिर देयरफॉर, ईटीसी। जो भी हमारे वर्ड कारण बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन। और जो हमारा लास्ट एडवर्ब हम कह सकते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन,
और निगेशन। वो कौन सा एडवर्ब है भाई? जैसे यस, नो, नॉट, श्योर, श्योर। तो यस, नो, नॉट, श्योर, सर्टेनली, इंडीड, ये सारे वर्ड इंडीड, ये सारे के सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। तो एडवर्ब क्रिया विशेषण, पहले मैंने कहा जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन या इंटरजेक्शन को छोड़कर पार्ट्स ऑफ अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। टाइप्स की बात की तो सबसे पहला टाइप होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट डे, नेक्स्ट वीक, ईटीसी, सब एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। फिर प्लेस की बात की जाए, एडवर्ब ऑफ प्लेस तो हेयर, देयर, इन, आउट, एवरीवेयर, अप, डाउन, जो भी प्लेस को बताए वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। फिर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की बात की है तो वेरी, मच, मोर, लेस, कम्प्लीटली, ये सारे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात की जाए केयरफुली, क्लेवरली, ब्यूटीफुल, सर्टेनली, सॉरी सर्टेनली नहीं होगा यहाँ पे, सर्टेनली एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन होता है तो इसे हम नीचे कर देते हैं ईटीसी। फिर एडवर्ब ऑफ रीज़न, हैंस, देयरफॉर, ईटीसी, जो रीज़न को बताए। और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के लिए यस हो गया, श्योर हो गया, इंडीड हो गया, निगेशन के लिए नो हो गया, नॉट हो गया, तो नेवर हो गया। ऐसे जो भी वर्ड मिलते हैं जो एडवर्ब बताते हैं, उस काम को करने का तरीका बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब का बेसिक क्लासिफिकेशन यही है। इसके अलावा अगर हम एडवर्ब को बांटें तो कई भागों में बांटा जा सकता है। कुछ किताबों में अलग होता है, कुछ किताबों में अलग होता है, कुछ राइटर्स अलग मानते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो एडवर्ब का यही होता है। तो ये एडवर्ब का डिफिनीशन और एडवर्ब की टाइप्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट किसी सेंटेंस, एडवर्ब किसी सेंटेंस में किस प्रकार से रोल निभाता है, एडवर्ब की कितनी डिग्री होती हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।